अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तैमूर और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है पीएन जंक्शन एंड पोटेंशियल बैरियर। ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का आज पांचवा लेक्चर है और ये मेरे चैनल का नेम है फिजिक्स बाय तैमूर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो इसे कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली होता क्या है, मैं ये बात आपको पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि पीएन जंक्शन, जब हमने पीछे लास्ट लेक्चर में जो है वो बात की हुई है कि हम जब पी टाइप, और पी टाइप में हमें पता है कि होल जो होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं। इसी तरह अगर हम एन टाइप की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब हम इन दोनों को, मतलब अगर हम सपोज करें कि हमारे पास एक ये वाला है जी, सपोज कर लेंगे हमारे पास है पी टाइप, ठीक हो गया। और इसके साथ ही अगर हम एक और ले आए तो ये वाला अगर हम कहें कि है एन टाइप, और पी एंड एन टाइप जब एक दूसरे के करीब हम ले आते हैं, एक दूसरे के करीब ले आते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसमें चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, इसमें होल जो होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं। तो क्या होता है कि इस इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं होल होल में भी रिपल्शन हो रही होती है दोनों में, तो यहाँ पे जो होल होते हैं ऐसे बने हुए वो उनमें आपस में भी रिपल्शन होती है, जिस रिपल्शन की वजह से जो है वो यहाँ से कुछ मूव करेंगे होल और वो यहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो यहाँ पे एड अप हो जाएंगे। इस तरह अगर हम देखें तो इनके दरमियान जो है वो एक बाउंड्री और रीजन क्रिएट हो जाएगा। ये बाउंड्री और रीजन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और होल होल रिपल्शन की वजह से क्रिएट हो चुका होता है, इसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जी पी एन जंक्शन, यानी कि ये हमारे पास है जी पी एन जंक्शन। ये जो बाउंड्री क्रिएट हो गई है ये हमारे पास जो है वो पी एन जंक्शन बन चुका है। इसे ये चार्ज लेस होती है क्योंकि इस पे जो है वो चार्ज इक्वल आ गया, तो इस जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। इधर नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाता है, तो ये न्यूट्रल हो जाती है। इसे डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, यानी कि चार्ज लेस रीजन है, इसे डिप्लीशन रीजन भी हम कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। इसी तरह अगर मैं बात करना चाहूँ पोटेंशियल बैरियर की, तो इसके क्रॉस अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल लो है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ये वाला हाई पोटेंशियल है और ये वाला लो पोटेंशियल है। अब इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस तरफ मूव करने के लिए या होल को यहाँ से इस तरफ मूव करने के लिए हमें बैटरी के साथ इसे कनेक्शन देना पड़ेगा। अगर हम इसे बैटरी के साथ कनेक्शन देंगे तो जिस तरह मर्जी, वो एक अलग बात है, जब बैटरी के साथ कनेक्शन देंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो हमें जो है वो जितनी बैटरी से पावर रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को जो है वो इसके अक्रॉस मूव करने के लिए, उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। यानी कि वोल्टेज की वो वाली अमाउंट जो बैटरी से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा इसको इस पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस मूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं जी पोटेंशियल बैरियर। यानी पी एन जंक्शन, फिर क्या हुआ, जब पी एंड एन टाइप मटेरियल को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उनके दरमियान जो है वो एक चार्ज लेस रीजन क्रिएट हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसे हम पी एन जंक्शन कहते हैं। और उसके अक्रॉस जब वो पी एन जंक्शन बन जाता है तब उसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, यानी कि उसके अक्रॉस जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प हो जाता है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट रिक्वायर करता है जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, उसके अक्रॉस मूव करने के लिए बैटरी से वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी या वोल्टेज कह लें वो रिक्वायर करता है उसको मूव करने के लिए, तो उसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये जो पोटेंशियल बैरियर है अगर मैं इसको ग्राफ की शक्ल में शो करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अगर ये सपोज करेंगे हमारे पास जो है वो ये वाला एक ये वाला रीजन है तो दूसरा जो है वो ये वाला रीजन है, तो इसमें जो है वो ये एनर्जी डिफरेंस है अब आ जाएगा। ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से भी हो, इसको अगर हम मैं ग्राफिकली शो करना चाहूँ तो ये एनर्जी हिल की फॉर्म है, यानी कि इसी को ही हम एनर्जी हिल भी कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर को हम एनर्जी हिल भी कहते हैं। तो इतना ही था जी मेरा टॉपिक, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक तक हम मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।